मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकत्र हुए। वहीं कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने आज शासन प्रशासन को अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष सतीश गोंडानी ने बताया कि पुरानी पेंशन नियमितीकरण और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो 20 जनवरी को राज्य स्तरीय विशाल आंदोलन किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो कर्मचारियों की विगत 2-3 वर्षों से जो मांगे हमारी लंबित चल रही है, जिसके लिए हम निरंतर लड़ाई कर रहे हैं, उन मांगों को ध्यान आकर्षण कराने के लिए हमने माननीय सीएम महोदय, माननीय सीएस महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारी मुख्य जो मांगे हैं ओपीएस बहाली की, जिसके लिए हमारा निरंतर संघर्ष चल रहा है, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई। अन्य स्टेटों में ओपीएस बहाल किया जा चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस संबंध में भाजपा शासन किसी भी प्रकार की कोई कर्मचारी संघों से बात नहीं कर रही है।